बिहार में भी योगी की एंट्री, इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। अचानक बीजेपी की बढ़ गई टेंशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। यूपी में योगी आदित्यनाथ, राजस्थान में बाबा बालकनाथ और अब बारी है बिहार की। बिहार में भी एक योगी की एंट्री हो गई है जिसकी नजरें सीधा लोकसभा चुनावों पर हैं। बाबा के बारे में सुनेंगे तो न सिर्फ योगी आदित्यनाथ याद आएंगे बल्कि अखिलेश यादव का भी जिक्र करने लगेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में जिस बाबा ने एंट्री ली है उनका नाम है योगी अखिलेश्वर दास महाराज। योगी अखिलेश्वर दास महाराज जी ने अब अपनी जन्म धरती से ही राजनीति की दुनिया में कदम रख दिया है। जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बाबा बेहद मेहनत कर रहे हैं, जिसने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। दरअसल योगी अखिलेश्वर दास शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रही है और जीत के लिए पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। अब चूंकि दो बार से सीट से बीजेपी सांसद रमा देवी जीतती आ रही हैं, ऐसे में बाबा ने उनके साथ साथ बीजेपी की भी टेंशन को बढ़ा दिया है। जिस तरह से बिहार में योगी की लोकप्रियता बढ़ रही है उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि इस सीट पर कोई बड़ा खेल हो सकता है। बाबा अखिलेश्वर अपनी पैठ बनाने के लिए हर जतन कर रही है, इनमें कई तरह से समाज सेवा भी शामिल है। ऐसे में क्षेत्र की जनता भी उनकी तरफ आकर्षित हो रही है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हाल ही में बाबा अखिलेश्वर दास ने मोतिहारी के ढाका खेल मैदान में 6 दिवसीय क्रिकेट खेल का आयोजन किया था। सोचिए, कड़ाके की ठंड में हजारों क्रिकेट प्रेमी क्रिकेट देखने के लिए मैदान में पहुंचे थे। इस खास मौके पर भगवाधारी अखिलेश्वर दास महाराज ने साफ कहा कि जनता के बीच अपनी पैठ बनाने का सबसे मजबूत साधन खेल है, इसीलिए हमने ये टूर्नामेंट कराया। अगर कोई राजनीतिक पार्टी उन पर भरोसा करती है तो वो राजनीति के खेल में जीत हासिल कर सकते हैं। अखिलेश्वर बाबा का इशारा शिवहर लोकसभा सीट की तरफ था। वैसे ये तो देखना होगा कि बाबा पर कौन सी पार्टी भरोसा जताती है और क्या बाबा भरोसा जीतने में कामयाब भी हो पाते हैं या नहीं। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम करने के अंदाज, उनके तेवर देखकर देश में योगी बाबाओं की तादाद बढ़ रही है। देश की जनता इन पर भरोसा जताने के लिए तैयार जो है। राजस्थान में जब तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ था तब तक बाबा बालकनाथ ट्रेंड करते रहे। बालकनाथ को सीएम बनाए जाने की पुरजोर मांग उठती रही। एक वक्त ऐसा आ गया कि थक हार कर खुद बालकनाथ को सफाई देनी पड़ी। उन्हें कहना पड़ा कि सभी अटकलों पर विराम लगाया जाए, किसी पर भरोसा ना किया जाए, तब जाकर प्रदेश की जनता शांत हुई। हालांकि जब सीएम के तौर पर भजनलाल के नाम का ऐलान हुआ तो भी जनता निराश थी। निराश भजनलाल के सीएम बनने से नहीं बल्कि बालकनाथ के ना बनने से थी। खैर, योगी ने सभी मेहनतों को लेकर जनता का नजरिया ऐसा बदला कि अब कहीं भी कोई भी बाबा दिख जाए तो जनता उन पर भरोसा करने के लिए तैयार है। फिलहाल अब आप योगी अखिलेश्वर महाराज जी के राजनीतिक भविष्य को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।